दाल और राइस को अच्छी तरह वॉश करें और पूरी रात भर इसे सोक करने के लिए छोड़ दें। और ये 3 कप राइस भिगो रखें और 1 कप दाल, और इनका बनेगा आज डोसा, मसाला डोसा। और दाल को पीसता है, फिर उसके बाद राइस पीसते हैं। फाइन। और बहुत ही बारीक हो चुका है। 3 कप राइस, 2 कप उड़द दाल और हाफ स्पून मेथी दाना और राइस भी पीस चुका है। राइस पीसना बहुत हार्ड है, ये पीसता नहीं है, दाने दाने रह जाते हैं। 15-20 मिनट लिए इसने पीसने में। और ये बनेगा डोसे का मिक्सचर। और जितना यूज़ करना आज के लिए थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तो इसमें सॉल्ट डालना, शुगर डालना और थोड़ा सा मैदा डालना है। पतला ठीक है, पानी डालने की जरूरत नहीं है इसमें, मोटा है तो पानी डाल दो। सही है। और हाफ स्पून नमक डाल दिया, हाफ स्पून के आसपास शुगर, शुगर से कलर आता है इसलिए शुगर डालनी पड़ती। 1 टीस्पून मैदा, ये अच्छी तरह मिक्स लमसन आ जाए इसमें। मैं हल्का सा ऑयल वहाँ उसके बाद पानी के छींटे स्पैचुला, पतला वाला चाहिए आगे से कटा हुआ, ये निकालने के लिए इसका वेस्टेज ऊपर वाला। किचन बड़ा गंदा हो जाता है इससे, रेस्टोरेंट में तवा बड़ा होता है, घर में तो छोटा ही होता है। ये बन गया प्लेन डोसा। ये देखो इसकी फिनिशिंग देख लो, ये देखो थिन क्रिस्पी डोसा। आज बन रहा उत्तपम। तो ये प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्ची, स्प्रिंग ओनियन, डोसे का बैटर,
ये बन गया उत्तपम। और इसमें डाल दिया ये मिक्सचर, इसमें चटनी भी डालते हैं हम लोग, कौन सी? हरी और लाल चटनी इसके ऊपर। हरी मिर्च भी डाल दी मैंने। कल कितने पराठे बने थे? कल कितने मेरे पास खाने को? हाँ। होंगे तीन चार। सुबह एक पराठा कल रात को खा लिया था ना। अच्छा, तो पराठा पड़ा हुआ था इधर, मैं खा गया। ये बहुत आसान है उत्तपम बनाना, ये डोसे के बैटर में आराम से बनाओ, खाने में मस्त। चीज़ डाल दो इसके ऊपर, बच्चों को खिलाना, बच्चे भी खुश, वो सोचेंगे पिज़्ज़ा बन गया हमारे लिए। अच्छा, बहुत टेस्टी है ये, स्लो हीट में पक रहा है आराम से, धीरे धीरे ऊपर तक पकेगा ये। इसमें पुदीने की चटनी और लाल चटनी भी जाती है इसके ऊपर। ये दूसरी रोटी बनेगी। तवा चाहिए गरम, आज ये बन गया रिधिमा के ब्रेकफास्ट, स्कूल का ब्रेकफास्ट, उत्तपम फैमिली डोसा पॉकेट, इसका नाम है पॉकेट डोसा। इसको पॉकेट में डाल के निकल सकते हो रेस्टोरेंट में ना, जैसे रैप नहीं होते, तो ये डोसा पॉकेट डोसा इसका नाम। इसको पन्नी में डालो, इसको ऐसा कट कर दो, क्रिस्पी और हो जाएगा ये, क्रिस्पी करना है इसको ना। तवा में छोड़ दो इसको स्लो हीट में, ये बन गया पॉकेट डोसा। ये बन रहा उत्तपम प्लस डोसा। ये उत्तपम और डोसा का बीच का ऐसे मसाला भरेंगे, वो भी चीज के साथ, पॉकेट डोसा। और ये अपना आज का ये आखिरी डोसा अपना।
और इसमें जाएगा ये मसाला, बिल्कुल ये है पटियाला डोसा। इसमें थोड़ा दारू भी डाल देंगे हल्के सा। पटियाला है ना ये पटियाला, तो इस छिड़कना है जैसे जैसे लैम में दारू छिड़कते हैं हल्का से। इसके अंदर अगर मिंट सॉस डाल दो बहुत ही अच्छा टेस्ट। चीज डालो इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं, चीज वाला बनाया था। मद्रासी रोल है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है इसकी और क्रिस्पी भी अच्छा मस्त। ये है अपना पॉकेट डोसा।